हेलो दोस्तों, वेलकम टू मुंबई। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम जा रहे हैं मुंबई के फास्टेस्ट रूट पर, मरीन ड्राइव टू वर्सोवा बाय द प्रपोज 29.8 किलोमीटर मुंबई कोस्टल रोड। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरा नाम है अमित सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे द इमर्जिंग भारत। तो दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बारे में, जो एक 29.8 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो दक्षिण बॉम्बे में प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर को उत्तरी उपनगरों में कांदीवाली से जोड़ने वाला मार्ग है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट दो फेज में किया जाएगा और इस वीडियो में दोनों फेज के बारे में डिटेल में बात होगी। चलिए शुरू करते हैं फेज वन से। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट का 10.58 किलोमीटर फेज वन बीएमसी या एमसीजीएम द्वारा मरीन ड्राइव और बांद्रा वर्ली सीलिंग के बीच अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें समुद्र से पुनः प्राप्त 8 लेन की सड़क, स्टील्ट पर पुल, एलिवेटेड रोड, मालाबार हिल्स के नीचे जुड़वा सुरंगें, नए हरे भरे स्थान, समुद्र की दीवार या पानी की दीवार और यातायात फैलाव के लिए कई इंटरचेंज शामिल हैं। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की जाए फेज़ वन के। तो दोस्तों, फेज़ वन का एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹12,700 करोड़ है। फेज़ वन का कुल लंबाई 10.58 किलोमीटर है। इसकी कंप्लीशन डेडलाइन रखी गई है जुलाई 2023। लेन्स की बात की जाए तो यह एक 4 से 8 लेन एक्सप्रेसवे है। स्टेटस की बात की जाए तो यह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों, अब हम इस प्रोजेक्ट के फेज़ टू के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट के फेज़ टू में बांद्रा वर्सोवा कांदीवली के बीच 19.22 किलोमीटर नॉर्थन एक्सटेंशन का निर्माण शामिल है, जिसमें बांद्रा 1.17 किलोमीटर, काटर रोड 1.80 किलोमीटर और जूहू कोलीवाड़ा 2.80 किलोमीटर से कनेक्टर्स के साथ 9.6 किलोमीटर बांद्रा वर्सोवा सागर लिंक शामिल है। अब इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के बारे में बात की जाए, द कोस्टल रोडवे प्रोजेक्ट मुंबई में एक दुर्लभ खुले हरे रंग की जगह के बड़े पैच बनाने का प्रयास करती है। इस परियोजना के लिए लगभग 90 हेक्टेयर को पुनः प्राप्त किया जाएगा, जिसमें से 70 हेक्टेयर को साइकिल ट्रैक, सैरगाह, एम्फी थिएटर्स, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और अन्य मनोरंजन स्थान प्रदान करने के लिए तैयार किया जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों, यह मुंबई कोस्टल रोडवे प्रोजेक्ट जल्द ही बनकर तैयार होगा और मुंबई की सुंदरता और भी बढ़ाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए द इमर्जिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।